नमस्कार, राष्ट्र लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बाइक चोरी कर रहे युवक की स्थानियों ने की जमकर धुनाई, इलाज के लिए लाया गया अस्पताल। जो मिसाइल नीति व स्थानीय नीति के विरोध में निकाली जाएगी विरोध रैली। और XLRR के छात्रों ने शुरू किया ऑनलाइन शॉपिंग पार्टर, जमशेदपुर शहर में दी जाएगी सेवा। और अब खबरें विस्तार से। साक्षी नर्स क्वार्टर के समीप एक मेडिकल दुकान के सामने बाइक चोरी कर ले जाने के आरोप में एक युवक को बाइक सवार व स्थानीयों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और उसे साक्षी पुलिस को सौंप दिया। साक्षी पुलिस ने उसका MGM अस्पताल में इलाज कराकर पूछताछ के लिए उसे थाने ले गई है। अस्पताल में इलाज के लिए आए आरोपी मोहम्मद एहसान उर्फ मिंटू ने बताया है कि वह आजाद बस्ती पुरुलिया रोड निवासी है। वह दिल्ली में अख्तर के यहाँ लेथ मशीन में काम करता है। कुछ दिन पूर्व वह अपने घर आया और अपने पर्व के लिए कुछ सामान खरीदने साक्षी बाजार आया हुआ था। इसी बीच वह गुलमुरी अपने मित्र जावेद को पैसा देने चला गया और पैसा देकर वापस अपने घर आ ही रहा था कि साक्षी नर्स क्वार्टर के समीप एक व्यक्ति ने उसे बाइक हटाने को कहा। वह बाइक हटा ही रहा था कि बाइक मालिक ने उसे देख लिया और चोर समझ कर उसकी पिटाई करने लगे और इतने में स्थानियों ने भी उसकी पिटाई करने लगे। इसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके बाद बाइक मालिक और स्थानियों ने साक्षी पुलिस को बुलाकर उसे साक्षी पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मी देखकर साक्षी पुलिस ने उसका इलाज MGM अस्पताल में करवाया और पूछताछ के लिए अपने साथ थाने लेकर गई। हम शाम का पैसा लेने आए थे, हम घर जा रहे हैं। कहां पर पैसा लेने आया था? गुलमुरी आया था, गुलमुरी जा रहा भाई। ओमेगा सोन साक्षी में कैसे पकड़ा गया? 3300 हो गया। साक्षी में क्या अपराध में पकड़ाया तुम? साक्षी में भी हम पकड़ा गए, गाड़ी साइड करते हुए। कौन गाड़ी में? एक तो पीछे कार खड़ा हुआ था, तो हम बाइक साइड कर रहे थे, बोले कार निकल जाएगा। तो हमको बोला हटा दो बाबू, हम गाड़ी निकाल लेंगे। गाड़ी हटा रहे थे, लोग देख लिया तो बोलते हैं चोरी कर। अच्छा, गाड़ी चोरी कर उसमें पकड़ा है। और उधर झारखंड एकता अस्मिता मंच द्वारा झारखंड में हो रहे जमिसाइल नीति तथा स्थानीयता के लिए खतियान की मांग के खिलाफ आगामी 11 जुलाई को जमशेदपुर के एग्रीकोर ट्रांसपोर्ट मैदान से हजारों की संख्या में विरोध रैली निकालेगी जो जिला मुख्यालय तक जाएगी। एक बैठक के दौरान मंच के सदस्य सह कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे ने बताया है कि जब वर्ष 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था तो यहाँ के राजनेताओं ने झारखंड के विकास को छोड़ अपने विकास के लिए इस बात की होड़ लग गई कि कैसे जो बाहर से आकर झारखंड में बसे हैं उन्हें झारखंड से बाहर किया जाए। और तब से ही डोमिसाइल नीति तथा स्थानीय नीति के नाम पर सभी को परेशान किया जाने लगा। इन्होंने बताया है कि इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्र केवल इसलिए रचा गया है ताकि बाहर से आकर जो वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं उन्हें परेशान किया जाए और उन्हें बाहर भगाया जा सके। मंच इस तरह की नीतियों का खुला विरोध करती है और इसके विरोध में आगामी 11 जुलाई को एग्रीको के ट्रांसपोर्ट मैदान से हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन रैली में शामिल होंगे और इसका खुला विरोध करेंगे। ऐसा है, हम लोग देख रहे हैं 2000 में जब ही राज्य बना तो यहाँ की राजनीतिक पार्टियों में और राजनेताओं में इस झारखंड के विकास के जगह इस बात का एक होड़ लगा कि कैसे जो लोग यहाँ आकर के बाहर से बसे हैं इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। और उसी साजिश के तहत तरह तरह का हथकंडा अख्तियार करना शुरू किया। 2002 में डेमोसाइल नीति लाया गया, जाति प्रमाण पत्र जो यहाँ आसानी से सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लिखने के बाद बनता था उसको भी नियम बना दिया गया कि खतियान में जिनका जाति दर्ज होगा उन्हीं को जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जो लोग दूसरे स्टेट का जाति प्रमाण पत्र लाएंगे उसको हम नहीं मानेंगे। यहाँ पेशा कानून के तहत चुनाव करा दिया गया, परिसीमन आयोग के सिफारिश को रद्द करा दिया गया, भेदभावपूर्ण भाषा नीति बनाई गई, यहाँ भेदभावपूर्ण रोजगार नीति बनाई गई और इस पर कौन बात करेगा? आज जो बैठ करके लोग ये नीति बना रहे हैं इनको ये मालूम होना चाहिए कि झारखंड अलग राज्य का लड़ाई सिर्फ खतियान वालों ने नहीं लड़ा था, इस लड़ाई को सारे लोगों ने मिल करके लड़ा था और इसका परिणाम है कि पहला शहादत भी यहाँ बिना खतियान का आदमी स्वर्गीय सदानंद झा ने गोमो में देने का काम किया है। हम लोग इसी नीति के विरोध में आगामी 11 तारीख को
एग्रीको मैदान में हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे और वहां से डीसी कार्यालय विरोध मार्च होगा और डीसी कार्यालय में प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र देंगे। उधर जमशेदपुर शहर के लोगों को शॉपिंग की से परेशानी को निजात दिलाने के लिए शहर के XLRI कॉलेज के छात्रों ने ऑनलाइन शॉपिंग की पोर्टल तैयार की है, जिसके तहत जमशेदपुर शहर के लोग इस पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। कॉलेज के छात्रों ने इसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया है। यह पोर्टल jsrbazaar.com के नाम से शुरू किया गया है, साथ ही इसमें फोन के जरिए भी ऑर्डर की सुविधा दी गई है। छात्रों का मानना है कि इस भाग दौड़ भरी शहर में यह तरीका काफी उपयोगी साबित होगा और बाजार के दामों से यहाँ के दाम सस्ते होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर वो भी सामान उपलब्ध होने होंगे जो आम तौर पर बाजार में लोगों को नहीं मिलते हैं। फ्रूट्स, ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और भी हाउस होल्ड जितने भी नीड्स है सारा इसमें पूरा किया जाएगा। और इसमें आप दो मोड से आप परचेज कर सकते हैं। एक ऑनलाइन मोड है जिसमें आप लॉगिन वेबसाइट में लॉगिन करके www.jsrbazaar.com जाके इस पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप कॉल करेंगे, हमारा एग्जीक्यूटिव जो है फ़ोन उठाएगा और आप उसे ऑर्डर लिखा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर इस पर डिलीवरी हो जाएगा और रेट्स बहुत कम्पिटिटिव है मार्केट से। अराउंड 7-8% जो रेट्स है उसमें आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा मार्केट में। काफ़ी बड़ा है, हमारे पास ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ अवेलेबल नहीं रहते हैं ईजिली एग्जॉटिक सेगमेंट में, और हमारे जो सर्विसेज हैं वो क्वाइट काफ़ी अलग रहेंगे सबसे, काफ़ी बेहतर रहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा बेहतर होगी, बट मैं ये कहूँगा कि काफ़ी अलग रहेंगे। हम कोशिश यही रहेगी कि हमारा जो हमने बोला है उसे हम पूरा करें, और काफ़ी सपोर्ट है लोगों का जिसके चलते हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिल रही है। इस शहर के लिए कुछ करना है हमें, और हम ये हमारा बहुत छोटा सा एक प्रयास है इस सफ़र में। वे ऑफ शॉपिंग है, हैसल फ्री है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आप फ़ोन करके भी एक रेगुलर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपका सारा ऑर्डर लेके आपके पास पहुँचाएंगे, तो एक बहुत हैसल फ्री और स्मार्ट वे ऑफ शॉपिंग है। और झारखंड ब्राह्मण संघ ने आगामी 20 जुलाई को शहीद मंगल पांडे की जयंती के दिन से झारखंड के ब्राह्मणों के हितों के लिए नए रूप से आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी यहाँ जानकारी एक बैठक के दौरान दी गई। बैठक के दौरान समाज के अध्यक्ष धनुर्धर त्रिपाठी ने बताया है कि झारखंड राज्य के बने 14 वर्ष हो चुके हैं और जब झारखंड का गठन हुआ था तो यह राज्य पूरे राज्य के वासियों के लिए बना था, न केवल किसी एक संप्रदाय के लिए। और झारखंड राज्य के गठन के बाद से ही ब्राह्मणों के हितों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया और ना ही कोई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे तब भी हमने डोमिसाइल की नीतियों का विरोध किया था, और अब शहीद मंगल पांडे की जयंती के अवसर से ही नए रूप से समाज के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा और उसे आखिरी अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। मुद्दे महत्वपूर्ण है, जयंती को 20 तारीख को आगामी सर्वसम्मति से पास हुआ बैठक में कि 20 तारीख को हम लोग मंगल पांडे जी की जयंती मनाएंगे। और जैसे आप सभी जानते हैं कि 1857 में जो संकल्प उन्होंने 1857 में लिया था वो लगभग 90 वर्ष बाद 1947 में फलीभूत हुआ था। आज एक चुनौती और है, ब्राह्मण समाज हमेशा से समाज का नेतृत्व करता रहा है क्यों, और वैसी स्थिति में आज झारखंड का भी गठन हुए लगभग 14 साल हो गया है, लेकिन झारखंड प्रदेश जो है विसंगतियों से जूझ रहा है। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि इस झारखंड का गठन जो हुआ था 3.25 करोड़ जनसंख्या के लिए हुआ था, लेकिन राजनीतिक हितों के कारण लोगों ने इस झारखंड को गर्त में ले जाने का काम किया है। विकास अवरुद्ध है, ब्राह्मण समाज इस मामले में चुप नहीं बैठेगा, और जहां तक डोमिसाइल की नीति है इसका विरोध हम लोगों ने पहले भी किया था, और डीसी आवास पर जब पुनः एक बार मुख्यमंत्री जब अर्जुन मुंडा जी बने थे उस समय हम लोगों ने शंखनाद किया था, जिसके बाद ही एक कमेटी का गठन हुआ था डोमिसाइल के लिए, लेकिन वो कमेटी भी आज के डेट में निरस्त हो चुकी है लगभग। वैसे स्थिति में एक बार यहाँ से हम लोग जो संकल्प दिवस के रूप में आदरणीय मंगल पांडे जी का मनाने जा रहे हैं, तो हम इस संकल्प को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और झारखंड की संस्कृति जो जल जंगल जमीन है इस सारे को लेकर के यदि संघर्ष करना पड़ेगा तो ब्राह्मण समाज एक बार पुनः परशुराम की तरह से जैसे 21 बार उन्होंने दुष्टों से इस पृथ्वी को निजात दिलाया था, तो वैसे ही उस प्रवृत्ति के लोगों से निजात दिलाने और सभी के लिए सबका कल्याण, सबका हित, सबका विश्वास एक। और उधर जमशेदपुर शहर में इन दिनों चोरी की घटनाएं इतनी बड़ी हुई है कि अब इससे शिक्षा के मंदिर के रूप में कॉलेज भी से असुरक्षित नजर आ रहे हैं। ताजा मामला है जमशेदपुर कॉपरेटिव कॉलेज का, जहां से चोरों ने वाटर प्रूफिंग के सामानों की चोरी कर ली।
जमशेदपुर के शिक्षा के मंदिर कॉपरेटिव कॉलेज में भी चोरी जैसी घटना होने लगी है, जिससे हर लोग परेशान है। ऐसे में चोरों ने कॉपरेटिव कॉलेज के छत में प्रयोग आने वाले वाटरप्रूफ प्लास्टिक का चोरी कर भाग गए और एपीपी प्लास्टिक के साथ जोड़े रोल को चोरों ने चोरी किया, जिसका दाम करीब 20 से 25 हजार का बताया जा रहा है। वहीं घटना से कॉलेज में हलचल मचा हुआ है और कई लोग शक के घेरे में हैं। आज सुबह काम लगाने के समय मालूम चला आया यहाँ कि मेरा इस रूम में एपीपी रोल रखा हुआ था, जो एक रोल का 3500 रुपये कीमत है। कितना रोल? 7 रोल था। क्या यूज में होता है ये? छत पे कारपेंटिंग लगाने का काम, छत पे हीट करके गैस से उसको लगाते हैं। क्या लग रहा है कि कौन ले गया हुआ? ये एक समय था कि यहाँ लोग चंदा मांगने के लिए हमसे आया था, जो हम चंदा यहाँ नहीं दिए, 1000 रुपया दे रहे थे तो बोला कि हम चंदा 1000 रुपया नहीं लेते हैं। कौन? उनका नाम ऐसे तो क्या ये बीपी करके कोई अथी था, उसी का चंदा लिया था। तो यहाँ के गार्ड ही बता सकते हैं कि रात में कौन कौन यहाँ आके दारू पी रहे थे कि क्या कर रहे थे, वो गार्ड यहाँ पर है वो बता सकते हैं। और इधर आने वाले विधानसभा के चुनाव में कोल्हान के 14 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगी मधु कोड़ा के जय भारत समानता पार्टी। वहीं पूर्वी सिंहभूम के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में मधु कोड़ा ने कहा है कि जनता की मांग के साथ झारखंड के अलग अलग सीटों पर भी चुनाव लड़ा जाएगा, जिसे पहले कोल्हान में संगठन मजबूत किया जा रहा है। एक सम्मेलन के दौरान इन्होंने बताया है कि झारखंड में किसी पार्टी से गठबंधन करने से पहले किसी भी पार्टी का सामान्य विचारधारा ठीक होना चाहिए, जिससे गठबंधन किया जा सके। जबकि पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ता सम्मेलन में मधु कोड़ा ने कहा है कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड बनाया गया वो वैसा विकास नहीं हुआ है। अन्य पार्टियां का इच्छा शक्ति की कमी थी, जिससे नया जनादेश मिलना चाहिए और घर के पार्टी के साथ इस बार लोग जाएंगे। लोग लाना चाहते हैं ताकि बिना सामाजिक समानता का, समरसता का विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस बार हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम में भी संगठन का विस्तार करते हुए हम लोग चाहते हैं कि हम यहां पर अपनी संगठन का योगदान हम लोग दें। विधानसभा के चुनाव में कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे आप लोग? हम लोग पूरे कोल्हान के जितने सीट हैं, 14 सीट जो प्लान कमिश्नर के हैं, उस पर हम लोगों ने खड़ा करने का इस बार निर्णय लिया है जय भारत समानता पार्टी ने। और प्रदेश के अन्य जिलों में भी जहां लगेगा उपयुक्त, जहां पर उसी वहां पर अच्छे, अगर वहां पर लोग चाहेंगे, जनता चाहेगी, तो हम वहां पर भी उतार सकते हैं। क्या किसी लोगों से संबंधित गठबंधन करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसकी हम लोगों ने वैकल्पिक खुला रखा है, हम लोग बात कर सकते हैं। नहीं बन पाया आज, उसके अभाव में है, ना विकास हो रहा है, ना ही गति लाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर चुनाव हो और चुनाव में एक नया यहाँ पर जनादेश आए। और इस बार जनता भी चाहती है, घर के लोग ही घर का बात को अच्छी तरह से समझ सकता है, समाधान कर सकता है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने हर बजट जो आया है बिल्कुल ही, झारखंड बना है किस लिए बना? बड़े बड़े राष्ट्रीय दल तो 50 साल से राज कर रहे थे, अलग राज्य बनने का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि यहाँ पर उसके अपने गांव के घर के लोग चुन करके आए, उसकी मुसीबत को सामने रख सके। ऐसा नहीं है, हाँ बहुमत किसी को नहीं मिल पाया आज तक, कोई दल को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से विकास नहीं हो सका, लेकिन इच्छा शक्ति की भी कमी रहा है। यहाँ तो हम कह रहे, राष्ट्रीय पार्टी लोग कहते हैं कि बड़े विकास का काम करेगा, झारखंड तो 13 साल हो गया, 8 साल तो बीजेपी का सरकार था, बीजेपी का मुख्यमंत्री था, क्यों नहीं उसका विकास हुआ इसे या झारखंड का? और उधर एमजीएम अस्पताल में सर्पदंश की दवा नहीं होने पर बरसात के इस मौसम में सर्पदंश के मरीजों पर गाज गिरा हुआ है। अपने जीवन बचाने के लिए सर्पदंश के शिकार मरीजों को आर्थिक तंगी का सामना करना और अपना इलाज कराना बहुत महंगा पड़ रहा है। जादूगोड़ा कलाईगढ़ निवासी डूबी देवगम ने बताया है कि उनकी पत्नी शनिवार को अपने घर के आंगन के साफ सफाई कर रही थी। उसी क्रम में उनके आंगन में एक विषैला सांप विचरण कर रहा था। उसकी पत्नी सफाई करने की धुन में उस विषदंत को देख नहीं पाई और उस पर पैर रख दी। उसके बाद उसे विषदंत ने उसे डस लिया। घटना के बारे में जैसे उन्हें पता चला तो वे
देर ना करके अपनी पत्नी को इलाज के लिए घाटशिला सदर अस्पताल लेकर गए। वहां के डॉक्टरों ने उन्हें एमजीएम अस्पताल भेज दिया। यहां आने के बाद उन्हें पता चला कि यहां सर्पदंश का दवा नहीं है। वे किसी तरह पैसा जुगाड़ कर दवा का इंतजाम किए। कैसा सांप था? नाक सांप। क्या कर रही थी ये? वो आंगन में ही सोता था। क्या कर रही थी? वो शाम के टाइम में जा रहा था आंगन में ये करने के लिए। फिर सांप काटा। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में जाति प्रमाण पत्र बनाने में प्रशासन द्वारा सफलता मिलने के बाद झारखंड चेतना विकास आंदोलन पार्टी के लोग अब सरायकेला जिला में भी जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर आंदोलन चलाएंगे, जिसके लिए उन्होंने तैयारी की है। एक प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड चेतना विकास आंदोलन के लोगों ने कहा है कि जमशेदपुर में जाति प्रमाण पत्र बनने लगे हैं, जिसका श्रेय उनकी पार्टी को ही जाता है। वहीं इसमें सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सरयू राय, विधायक मेनका सरदार और मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भी सहयोग मिला है। आपको बता दूं कि सामाजिक कार्यों का धरातल पर लाने में एक अंधा व्यक्ति दामोदर बाबा जैसे लोग काम कर रहे हैं और लोगों का सहायता भी मिल रहा है, जिससे श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। कि झारखंड का कुछ भी समस्या हो उसको सॉल्व किया जाए, तो सबसे बड़ा मुद्दा था जाति प्रमाण पत्र। बच्चे लोगों का भविष्य अंधकार में था और मैं सारे समाज को ही धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैंने बहुत ही कठिनाई झेला, लेकिन हमारे उपायुक्त महोदय जो है हमसे कभी रुष्ट नहीं हुए। मेरे को बोलते थे भाई बाबा आप जब भी आइए लेकिन समय पे आइए। और उपायुक्त महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, संजय सरयू राय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष करके अन्नपूर्णा देवी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मेनका सरदार जी को और विद्युत चरण महतो जी को, खास करके हेमंत सोरेन जी को। मेरी बातों ने उन्हें सुना, फेस टू फेस मेरी बात हुई और दो बार मैंने उनको चिट्ठी दिया। और मैं अब जो है प्रयास करूँगा कि बगल का क्षेत्र जो है राजखरसवा सरायकेला क्षेत्र जो है वहाँ नहीं बन रही है, उन बच्चों का भी मैं ख्याल रखते हुए सारे समाज को लेकर चलूँगा। और हो सकता है मुझे सफलता मिलने में देरी भी हो सके, लेकिन जितनी भी देरी हो मैं इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बाइक चोरी कर रहे युवक की स्थानियों ने की जमकर धुनाई, इलाज के लिए लाया गया अस्पताल। जो मिसाइल नीति व स्थानीय नीति के विरोध में निकाली जाएगी विरोध रैली। और एक्सएलआरआर के छात्रों ने शुरू किया ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, जमशेदपुर शहर में दी जाएगी सेवा। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokpal.com।